तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जापान के पीएम शिंजो आबे की वर्तमान भारत यात्रा कई मायनों में बड़ी सौगात लेकर आई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच जिस तरीके का तालमेल नजर आ रहा है, उसके साथ ही क्या वो तालमेल भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, और जो समझौते भारत और जापान के बीच में हुए हैं उसके आखिर क्या मायने हैं, क्या आने वाले वक्त में जो उम्मीदें भारत की उस टेक्नोलॉजी को लेकर जापान से हैं वो पूरी होंगी, और साथ ही साथ जापान जो भारत से इस वक्त उम्मीदें लगा रहा है उसका पूरे विश्व पर क्या मैसेज जा रहा है, इस पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, जय जापान, जय इंडिया। भारत जापान के बीच गहरी दोस्ती को तो दुनिया जानती है, लेकिन इस बार जापानी पीएम ने दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है जिसका लोहा अब दुनिया मानेगी। एक ऐसे दौर में जब भारत की सरहद पर पड़ोसी चीन और पाकिस्तान सरगर्म हो, तो दोस्तों भारत के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौतियों का सामना करने का वादा करना कोई आम बात नहीं। तो दोस्तों भारत के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौतियों का सामना करने का वादा करना तो कोई जापान और भारत से सीखे। अब बुलेट ट्रेन भारत के 125 करोड़ लोगों के सपने को साकार करेगी, और इसके लिए जापान ने भरोसा भी दिलाया है। बात यही तक होती तो ठीक, इसके आगे भी बड़ी, और शिंजो से और शिंजो आबे ने भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर भी हर सहयोग का वादा किया। परमाणु ऊर्जा से लेकर रक्षा तकनीक में सहयोग तक आगे बढ़ने में तैयार हो गए हैं। जहां तक आतंकवाद का मुद्दा है, इस पर भी जापान ने भारत की चिंताओं पर सहमति जताते हुए दुश्मन पाकिस्तान को नसीहत दे डाली। शिंजो आबे ने पाकिस्तान से कहा, भारत में आतंकी हमले के दोषियों पर कार्रवाई करें। इस तरह की बातें वही कर सकता है जो दोस्त और मौके दर मौके हम सफर भी हो। पीएम मोदी और शिंजो आबे ने एक दूसरे पर यही भरोसा दिलाया, और वैश्विक राजनीति में दो देश और ताकत के रूप में पहल, और यही पहल भारत और जापान की दोस्ती को इतना आगे ले जाएगी उसका असर दीर्घकालीन होगा। जाहिर है इससे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन की भौंवें तन गई होंगी, और ड्रैगन बौखलाया होगा, और नापाक बहुरूपी अपने चाल चलने को मजबूर होंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दो दोस्तों की यारी मजबूत इरादों के साथ सरपट दौड़ चुकी है। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना याद करेगी। तो जो दोस्ती इस वक्त बुलेट की रफ्तार से चल रही है, वो बुलेट सी धार क्या रिश्तों में भी आएगी, यानी कि पूरे विश्व को जो एक मैसेज देने की कोशिश है वो मैसेज कितना बड़ा है, ये सवाल जो है वो इस वक्त, और साथ ही साथ सवाल ये भी कि आखिर दोनों देशों को इससे क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ, जो अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं वीर चक्र डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हम यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं टीपी त्यागी साहब, आज जिस तरीके से समझौते हुए, या हम कल से देख रहे हैं कि लगातार जो कोशिश है एक फॉर्मल बातचीत से इतर आने की है,
और इसमें आज कई चीजें जो है महत्वपूर्ण देखने को मिली, और खासकर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है वो है 2+2 समझौता, जिसे लेकर जो है दोनों देश एक दूसरे के साथ एक तमाम फॉर्मेलिटी से आगे आना चाहते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये? महत्वपूर्ण तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज केवल बायलेटरल समझौते नहीं हुए हैं, आज वैश्विक समझौते भी हुए हैं, उनकी भी एक झलक दी गई है। मगर मैं एक मिनट ये कहना चाहूंगा कि 1942 से 1945 तक के अगर आप इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि हिंदुस्तान की आजादी में जिस देश का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है वो जापान था। जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार आइलैंड दे दिया था, और वहां पे तिरंगा झंडा पहली दफा फहराया गया था। उसके बाद में वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की फौजों के साथ मिलके कोहिमा तक को लिबरेट करा लिया था और वहां पे भी तिरंगा झंडा फहरा दिया था। लिहाजा इस देश की भारत के साथ में जो मित्रता है वो आज की नहीं है, वो एक पुराने लंबे समय की है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इसको दोहराने में थोड़ा समय लग गया। अगर पुरानी सरकारें इसका थोड़ा और फायदा उठाती तो अब तक हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ गई होती, जिसके लिए हमें 70 साल इंतजार करना पड़ा। अब आते हैं इनके समझौतों के ऊपर। इनके समझौतों से भी पहले एक और बात कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे उस समय यह तय हुआ था कि एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज किया जाएगा, उसका रेटिफिकेशन लेके आए हैं ये। और अब इन्होंने यातायात में, ट्रांसपोर्ट में, कनेक्टिविटी में, हर तरह का हर पहलू के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी में 15 बड़े समझौते किए हैं। ये एक बहुत ही यादगार क्षण है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान और जापान, इनका एक आपस में मिलन एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है पाकिस्तान को और चीन को। क्योंकि पाकिस्तान के मामले में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि पठानकोट के ऊपर हमला और मुंबई के ऊपर हमला, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पाकिस्तान सजा दे, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये सीधे शब्द है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी गतिविधियां वहां से जारी की जा रही है इनके ऊपर रोक लगे, और चीन को भी क्वेश्चन दे दिया। चीन को उन्होंने आज ये क्वेश्चन दिया कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जितने भी वहां पे कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी को बरकरार रखा जाना चाहिए, स्टेटस को रखा जाना चाहिए, बाय फोर्स उनकी सॉवरेनिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। ये इसका एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा जब अगले साल मलाबार के अंदर दोबारा एक नेवल एक्सरसाइज होगी इंडिया की, यूनाइटेड स्टेट्स की, बिल्कुल, और जापान बिल्कुल, की। बिल्कुल, बिल्कुल। महमूद आलम साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आलम साहब, आज और कल का जो दौरा है और जिस तरीके के जो है समझौते हुए हैं, आपका क्या आकलन इसमें कहता है? भारत और जापान के रिश्ते इन दो दिनों की अगर हम खास तौर पर बात करें, कितना आगे बढ़ते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए सुमित, आपको मालूम है जैसे कि जापान और हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, और जापान जो है हमारा एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर है जी, आज से ही नहीं बहुत अरसे से, और इस दौरे से हमारे रिलेशंस में नए आयाम शुरू होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक बात मैं और ये आपको बोलना चाहूंगा कि आज हमारा देश इस स्थिति में पहुंच गया है जहाँ पे हमको ही दूसरे देशों की जरूरत नहीं है, दूसरे देशों को भी आज हमारी जरूरत है। देखिए जापान की इकोनॉमी कुछ सालों से थोड़ा सा डगमगाई हुई थी, उसको भी एक मार्केट चाहिए, और इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट उनको प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से। उसके अलावा चाइना से उनके भी संबंध, उनके जो बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है जिस तरीके से इंडिया का है, तो इंडिया और चाइना, इंडिया और जापान जब मिलते हैं तो वो एक तरीके से चाइना को भी एड्रेस करते हैं कि देखो अगर तुमने दादागिरी की तो हम जो है, जो तुमको इकोनॉमिक स्पेस मिला हुआ है, क्योंकि देखिए जापान ने भी बहुत, जापानी कंपनियों में भी बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट चाइना में किया हुआ है, और चाइना ने हमारे यहाँ रोज बरोज इन्वेस्टमेंट उसका बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक संकेतिक, उनको भी एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इसके जरिए कि चाइना
कि आप भी अपनी हद में रहिए, अगर आपको जो है फायदा उठाना है, इकोनॉमिक फायदा उठाना है, तो ये अब गीदड़ भपकियां आपकी नहीं चलेंगी। तो ओवरऑल ये दौरा जो है हम दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बहुत बेनिफिशियल है और आने वाले दिनों में, बस यहाँ पे मैं एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि डिफेंस में भी हमारी बातचीत हुई है, रेलवे में भी हम फायदा उसका उठाएंगे, टेक्नोलॉजी में भी फायदा उठाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये और चाहूंगा कि जिस तरीके से मैन पावर का जापान इस्तेमाल करता है, क्योंकि देखिए जापानी कंपनियों का जो एज है ओवर द वर्ल्ड वो सिर्फ यही है कि जो उनका मैनेजमेंट स्टाइल है, मानव संसाधन का वो जिस तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम चाहेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड देखें तो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी हमारे वर्कर्स की जो है इंडिया में बहुत कम है, तो उसको जो है किस तरीके से उसको बढ़ाना है, क्वालिटी को बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और शायद आलम साहब मैन पावर की बात नहीं है, यानी सीखने को भी जापान से बहुत कुछ है जो हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को जरूर इंपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं या अपनी अर्थव्यवस्था को हम बूम करना चाहते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो जापान हमें यहाँ पर सिखा सकता है। यामिनी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, एक अर्थशास्त्री के तौर पर कितना बेनिफिशियल जो है भारत के लिए इन तमाम समझौतों को और साथ ही साथ इस दौरे को जो आबे आए हैं और 110,000 करोड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का, कितनी रफ्तार ये हमारी इकोनॉमी को देता हुआ नजर आता है, क्योंकि सवाल इसके पीछे कई उठ रहे हैं। जी, अगर देखें तो जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में जानी जाती है जी। और अगर हमें अपनी ग्रोथ रेट चाहिए 7.7%, तो हमें सबसे ज्यादा एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जिससे प्रोडक्टिविटी मिले। और जापान की जो तकनीक है वो जो ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन्स के द्वारा कर रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा कर रहा है, या वो 30,000 जिन लोगों को वो ट्रेन करेगा अपनी इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनके द्वारा कर रहा है, या फिर वो अपनी कंपनीज को यहाँ भेज करके नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके भेज रहा है, उस सब टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जहाँ पे इंडिया को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा एग्रीमेंट्स के द्वारा, वहीं पे जो है जापान को जो है एक मार्केट का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उनकी कंपनीज़ हैं, चाहे वो सोनी है, टोयोटा है, होंडा है, या जो भी कंपनीज़ हैं, उन्हें अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में इतनी मार्केट नहीं मिल रही है। वर्ल्ड ओवर वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पर इंडिया एक काफ़ी बड़ी मार्केट मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, जिसका फ़ायदा उन्हें होगा। जापान और इंडिया का समझौता एक इस तरीके से भी बहुत मूल्य है, क्योंकि अगर हम देखें जो भारत और इंडिया, भारत और जापान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, उसमें अबाउट 18.5 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 4.5 to 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास हर साल आती है। इन आंकड़ों को अगर देखें तो ये जो है ये बायलैटरल हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जापान से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी उतना कर रहे हैं। अगर हमारे जो नेशनल्स हैं वो जापान के अंदर 25,000 या 30,000 के आसपास हैं, तो उनके नेशनल्स करीब करीब 9,000 के आसपास इंडिया के अंदर हैं। इस सबसे जो है अगर देखें तो जो तरक्की का जो बढ़ावा है, जो ग्रोथ रेट पाने का तरीका है, वो बढ़ सकता है। और इंडिया जो अपनी 7.7% ग्रोथ रेट चाहता है, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बढ़ा सकता है। एक और आर्थिक तौर पे अगर देखा जाए, जापान का एक न्यूट्रल वो रहा है इंटरनेशनली, कि वो ना तो अब किसी पे हमला करता है, ना वो किसी के अगेंस्ट है, या ना एक बड़े न्यूट्रल सी छवि है उसकी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो साथ है वो एक अच्छा माना जाता है। तो इससे अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके साथ चल करके अपने कोई भी मुद्दे को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज़ करने के उस पर हो, तो उससे एक अच्छी छवि बनती है इंडिया के प्रति। मैं आपके पास आना चाहता हूं त्यागी साहब, जैसे आपने जिक्र यहां पर किया कि किस तरीके से भारत और जापान के जो है रिश्ते पहले से ही बहुत बेहतर रहे हैं, और अगर सुभाष चंद्र बोस का भी आपने यहां पर जिक्र किया कि कैसे उस वक्त जो सेना थी, उस वक्त मदद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जिस सेना को बनाया था उसको मदद जापान की तरफ से पहुंचाई गई थी, उन रिश्तों के मद्देनजर आज के परिवेश में जो कोशिशें दोनों देश कर रहे हैं, खासकर एक दूसरे के साथ बायलैटरल बातचीत से इतर आगे आने की आप बात कर रहे हैं, क्या है जो स्थिति है वो इस वक्त ये नजर आती है कि अगर भारत
किसी परिस्थितियों में जो है हालात बिगड़ते हैं तो जापान उसके साथ खड़ा होगा, उन सिचुएशंस में हम पहुंच चुके हैं। वो जो टेक्नोलॉजी जो इस वक्त जापान पूरी दुनिया पर इसकी छाप छोड़ रहा है वो भारत की जो है मदद करेगी, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में, क्योंकि अभी हाल ही में जो स्थिति डोकलाम में बनी उसमें कहीं ना कहीं वो तमाम जो विदेश रणनीतिक जो कोशिशें भारत की तरफ से की गई हैं वो जो है कामयाब नजर आई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल में जो स्टेटस को, यानी कि जो अब तक हिंदुस्तान और जापान के बीच में रिलेशंस थे वो एक्सीलरेट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेंटेन हुए हैं, वो एक्सीलरेट हुए हैं, उनको एक इम्पीटस मिला है। और इम्पीटस जैसे अभी बहन ने बताया कि भाई उनके करीब 100 इंजीनियर्स यहाँ आएंगे और करीब 30,000 लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को वो ट्रेन करेंगे। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का मतलब ये है कि द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम अपनी जो GDP है वो जो अभी थोड़ी गिर गई है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां तक डिफेंस का मामला है, डिफेंस में ये केवल इंडिया के लिए नहीं, ये जापान के लिए भी जरूरी था। कारण ये है, अगर आप गौर करें तो अभी शायद आज के ही दिन एक स्टेटमेंट आया नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि हम जापान को समुद्र में डुबो देंगे। इट मीन्स कि हालांकि जापान एक न्यूट्रल छवि का देश है, लेकिन ऐसे भी रोग कंट्रीज हैं दुनिया में जो ऐसे न्यूट्रल कंट्रीज के खिलाफ भी इस किस्म की आवाज निकालते हैं। ऐसे में जापान को एक सच्चा साथी, एक इंडिया का साथ मिलना उसकी डिफेंस को भी ताकत देता है, और उसका हमारे साथ आना हमको भी डिफेंस के रूप में ताकत देता है। तो दिस इज गुड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका एक रिजल्ट सामने आने लगा है, कि अभी अगर आप पिछले एक हफ्ते की चीजों को देखें एंड इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइंस, तो चाइना ने दो बातें कही। पहली कि हम मानसरोवर यात्रा के ऊपर हिंदुस्तान से बात करने को तैयार हैं। दूसरी उसने कहा कि वी वांट टू हैव रिलेशंस, वी वांट टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। एक तरफ जब डोकलाम था तब ये बात नहीं थी, लेकिन अब ये बात सामने आई। It means that the Japanese Prime Minister visit has strengthened the relations and which is going to be beneficial to India in all walks of life, including defense. बहुत important बात यहाँ पर आलम साहब, त्यागी साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीन के ऊपर वो जो दबाव है वो बना है, वो जो प्रेशर है वो अब सीधे तौर पर नजर आता है। जब वो खुद कहता है कि मैं भारत में जो है बुलेट ट्रेन चलाना चाहता हूँ, हम भी उसके लिए जो है प्रस्ताव लाना चाहते हैं, जब वो ट्रेड की बात करता है तो उसमें जो है हम कामयाब हो गए हैं, और डोकलाम के अंदर जो स्थिति बनी है उसी का जो है नजरिया है। और अब आबे आते हैं और इस तरीके का जो है नजरिया पेश करते हैं, बड़े समझौते होते हैं तो उससे बैकफुट पर जो है चीन आता है, एक प्रेशर उस वो महसूस कर रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा, वो इकोनॉमी वाला जो आपने क्वेश्चन किया था ना, जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि 1,08,000 करोड़ 10,000 करोड़ है और ये तो पैसा जो है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा आलम साहब, मैं उस पर भी आपसे लूंगा कमेंट। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप जरा इससे शुरू करें। अच्छा, नहीं, देखिए बिल्कुल बेशक बिल्कुल जो है ये तो हकीकत है। देखिए चाइना को भी मालूम है इंडिया की, देखिए चाइना को इंडिया की अहमियत मालूम है। इंडिया इज सच ए ह्यूज मार्केट फॉर देम, उनके लिए बहुत जबरदस्त मार्केट है। तो इस वजह से अब जो चाइना, जो जापान ने स्पेस लिया है, उन्होंने भी ऑफर कर दिया है हमको बुलेट ट्रेन का, कि हम जो है आपको बुलेट ट्रेन देने के लिए तैयार है। और वो सारे जो ये कोशिश करेगा कि वो इकोनॉमिक रिलेशन खराब ना हो, और इसी वजह से डोकलाम में जो इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो आई टू आई उनसे बात की है, तो उसने भी ये, उसको भी ये सबक मिल गया है कि भाई ये तो एक इतनी बड़ी मार्केट है, इनसे जो है मैं एक बड़ी एक आम उसमें जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं कि इंडिया से अब पंगा लेना मुनासिब नहीं है जी। तो इस वजह से चाइना को अच्छे तरीके से मालूम है कि इंडिया उसके लिए कितना बड़ा है। हाँ। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं एक बात ये बोलूं आपको, मॉडर्न वॉर्स जो है इकोनॉमी की बेस पे लड़ी जाती है। हाँ। और इस वक्त इस 21st सेंचुरी में कोई भी कंट्री जो है ये नहीं चाहेगा कि वो लड़े, उससे वो बहुत पीछे चला जाता है, इकोनॉमी उसकी बहुत पीछे चली जाती है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि चाइना में भी जो सद्बुद्धि आए और चाइना जापान इंडिया सब मिलजुल के रहे, तो इस पूरे आलम साहब जब आबे आते हैं तो चाइना इसे किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि
जाहिर है जापान के ऊपर या जापान और चाइना के बीच में किस तरीके की सिचुएशंस हैं, साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें, क्या इस वक्त जो है कोशिश चीन की तरफ से हो रही है, उन तमाम चीजों से आजिज है जापान, और शायद यही कोशिश जापान की तरफ से भी होगी कि जब वो भारत में अपने प्रधानमंत्री को आते हुए देखता है तो एक मैसेज जो है चाइना के पास चला जाए कि आप ये ना समझें कि हमारे साथ जो एक आर्थिक जो शक्ति है या बाकी देश है वो नहीं है, और यही जो है कोशिश भारत की भी थी जिसलिए कामयाबी भारत को भी मिली। देखिए एक बात तो आप समझ ये समझ लिए, देखिए ये जो है ना बाउंड्री इश्यूज भले जापान के हो भले हमारे हो ये ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो सकते। बात प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका इमीडिएट कोई सॉल्यूशन नहीं होता और लिंगर ऑन करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ते रहते हैं। अब आप देखिए चाइना और यूएसए की एग्जांपल ले लीजिए, इनके बहुत मधुर संबंध नहीं है बट अगर इकोनॉमिक इनके रिलेशंस देखें तो बिलियंस में इनकी ट्रेड होती है। इसी तरीके के जापान से चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें जापान की कंपनियों ने ह्यूज ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो आप ये देखिए चाइना और हमारे रिलेशन, हालांकि देखिए हमने हमेशा से कोशिश की है, सबसे पहले हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया। हम ये कह सकते हैं कि जापान ने एक अल्टरनेट जो है वो भी तलाशा है कि किस तरीके से जो है चाइना को उसकी हदों में रखा जा सकता है, क्योंकि अपना जो निवेश है वो भी बचाना है, ट्रेड जो है वो भी बचाना है, और एक विकल्प भी ढूंढना है जो कामयाबी जो है हासिल करे चाइना को जो है प्रेशर में लाने के लिए, चाइना को जो है उसकी हद में रहने के लिए। और भारत जो है जापान के लिहाज से अगर देखें तो शायद सबसे बेहतरीन ये ऑप्शन है, और इसीलिए कोशिश यहां पर हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक सुरक्षित भारत, दीजिए उन्हें एक ऐसा देश जिसमें हो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए ज्ञान से भरा एक भारत, अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक स्वस्थ भारत। आइए एक नए भारत का निर्माण करें, अपनी अगली पीढ़ी को दें एक विकसित भारत। समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा करके एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। 15 सितंबर या उससे पहले अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करें। ये हमारा टैक्स है जो बनाएगा एक नया और बेहतर भारत। बोर्ड एग्जाम हो गए रही नहीं? जी अंकल, बस रिजल्ट आना बाकी है। वेरी गुड, अब बिटिया का किसी बढ़िया कॉलेज में दाखिला करा दो। मैनेजर साहब, कैसे भेजे कॉलेज, किस्त के नाम पे सारा पैसा तो आपका बैंक ले जाता है। आज मैं लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। का ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों के 1 लाख रूपए तक की फसली ऋण को माफ किया है। अब भूल जाओ कर्ज, बस निभाओ अपना फर्ज। कर्ज माफी से होगा अब हर किसान आबाद, अंत्योदय का सपना अब हो रहा साकार। गोपाल की शादी की आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तो उसे पूछेगी बुढ़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है, तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा, और सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। भैया जी शर्माता है, पकड़ो है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार।
हिंदुस्तान के इस्लामीकरण की आंधी आपको ही नहीं किन्नरों को भी बनाए जा रहे हैं मुसलमान। इतना बड़ा कब्जा आधे समाज को इस्लाम का क्यों है? हिंदू बच्चे हैं उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जमात में नहीं रहेंगे झगड़ों की। किन्नरों का भी हज के लिए तय होता है कोटा। मुझे हिंदू नहीं रहा जाए तो मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। सुनिए, करना पड़ा 2012 में। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा राज? मुगल काल से छुपाए गए एक सनसनीखेज रहस्य से हम उठाएंगे पूरा पर्दा। हम तो मंदिरों और मठों में थे, मुगलों ने हम किन्नरों को भी ईमान में दाखिल करा गया। देखिए बिंदास बोल मेरे साथ। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक सुरक्षित भारत, दीजिए उन्हें एक ऐसा देश जिसमें हो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए ज्ञान से भरा एक भारत, अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक स्वस्थ भारत। आइए एक नए भारत का निर्माण करें, अपनी अगली पीढ़ी को दें एक विकसित भारत। समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा करके एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। 15 सितंबर या उससे पहले अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करें। ये हमारा टैक्स है जो बनाएगा एक नया और बेहतर भारत। हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक सुरक्षित भारत, दीजिए उन्हें एक ऐसा देश जिसमें हो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए ज्ञान से भरा एक भारत, अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक स्वस्थ भारत। आइए एक नए भारत का निर्माण करें, अपनी अगली पीढ़ी को दें एक विकसित भारत। समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा करके एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। 15 सितंबर या उससे पहले अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करें। ये हमारा टैक्स है जो बनाएगा एक नया और बेहतर भारत। इस न्यूज अपडेट के प्रायोजक है रूप मंत्रा फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Platinum experience and non-stop entertainment for the whole year. To know more, give a missed call on 90409-90409 from a registered mobile number and we shall call you back. Never settle for less when you know you deserve the best. Get all the Tata Sky channels at one price.
and get all of this by just recharging once a year. You name it, you get it. With the new Platinum HD Long Duration Pack. All SD and HD channels on the platform. 10 free showcase titles. No charges in service visit. The best of all the packs is here. Just pay rupees 8,500 per year and get Platinum Experience and non-stop entertainment for the whole year. To know more, give a missed call on 90409-90409 from a registered mobile number and we shall call you back. Never settle for less when you know you deserve the best. Get all the Tata Sky channels at one price. And get all of this by just recharging once a year. You name it, you get it. With the new Platinum HD Long Duration Pack. All SD and HD channels on the platform. 10 free showcase titles. तो चाहे डिफेंस के क्षेत्र की बात करें या फिर भारत में बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी की और इसके अलावा क्या असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भारत में आए शिंजो अबे के इस दौरे के साथ पड़ता है और आखिर किस स्तर पर इस दौरे के साथ ही भारत और जापान के जो संबंध हैं वो पहुंच रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मैं यामिनी आपके पास आना चाहता हूं। जब हम बात कर रहे थे कि बुलेट ट्रेन को लेकर बार बार बात हो रही है, लेकिन एक तबका है या हम विपक्ष कहेंगे जिनकी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र को क्या नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या हम उन बच्चों के बारे में बात नहीं करेंगे जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है हम उसे भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पर हम एक खास तबके के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या हम उस तबके के लिए नहीं सोचेंगे? जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जब भी बजट्स बनते हैं या एक किसी भी कंट्री के पास चॉइस होती है कि वो कैसे खर्चा करे, तो उसे देखना होता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ भी खर्चा करे और उन लोगों का भी ध्यान रखे जो बहुत पुअर हैं या पॉवर्टी के पास हैं। पर अगर वो सिर्फ पुअर का ही ध्यान रखती रहेगी और डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखेगी तो जो है कंट्री जो है बढ़ेगी नहीं, और अगर बढ़ेगी नहीं तो उसके पास जो गवर्नमेंट है उसके पास रेवेन्यूज नहीं जनरेट होंगे ताकि वो उन पुअर लोगों का ध्यान रख सके। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जनरेट करने हैं तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होगा, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करना होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके साथ चलना होगा। अभी बुलेट ट्रेन फिर भी अगर आप देखें तो एक काफी टाइम बाद आ रही है इंडिया के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल इमीडिएट टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आप उसको फिर भी नजरअंदाज करते रहेंगे ये कह करके कि इसकी जगह आप जो है पुअर लोगों को सिर्फ देखते, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की चाहे वो बजट्स के अंदर आप देखें तो वो ध्यान रखती हैं कि जो है वो बहुत सारे तबकों को एक साथ कहीं ना कहीं चीजें प्रोवाइड कर सके, पर वो तभी प्रोवाइड कर पाएगी जब उसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दे रहे थे जिस दौरान शिंजो आबे उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शिंजो आबे की वजह से ही ये जो है काबिल हो पाया है कि किसी तरीके से बुलेट ट्रेन जो है भारत में आ रही है, और हम सपना जो है 75 साल जब आजादी के पूरे होंगे तो हम देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन इस देश की जो है अर्थव्यवस्था के साथ जो है रफ्तार भरती हुई नजर आए। उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरीके से ये है जो लोन है ये बिल्कुल मुफ्त है। जी, अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा बहुत सारी जो है कंट्रीज़ हमें बुलेट ट्रेन प्रोवाइड करने को तैयार थी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने को तैयार थी, पर जो है उसके साथ वो पैसा मुहैया कराने को तैयार नहीं थी। जापान ही एक ऐसी कंट्री मिली जिस जो टेक्नोलॉजी के साथ पैसा जो है एक सॉफ्ट लोन की तरह प्रोवाइड करने को तैयार थी, जिसमें 0.10 के आसपास जो है वो रेट रहा है जिसके ऊपर हमें 50 साल के अंदर वो लोन पे करना होगा। अगर आप देखें दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट या फिर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन में कार मार्केट्स में देखें मारुति सुजुकी का होना, अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये कंपनीज आती हैं नई टेक्नोलॉजीज के साथ या नई सुविधाओं के साथ लोगों को सहूलियतें होती हैं उनको अपने जीवन में लाने की, और उस सहूलियतों के वजह से जो है जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही वो बढ़ती हैं जो ग्रोथ होता है वो कहीं गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, अनिल त्रिगुणायक साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है। त्रिगुणायक साहब,
कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण इस दौरे में रहेगा और क्या कुछ होना चाहिए। हम क्या सिर्फ बुलेट ट्रेन की ही बात करेंगे, लेकिन आज जब दोनों देशों के बीच में 15 अहम समझौते हुए हैं बायलेटरल बातचीत के लिए, 2+2 समझौते की हम बात कर रहे हैं, अगस्त में अमेरिका के साथ हुआ और अब जापान भी उसका हिस्सा बनने जा रहा है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इन 15 समझौतों को? बुलेट ट्रेन जो है एक बड़ा विजिबल प्रोजेक्ट है और भी इस तरह के काफी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं जगह जगह, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दोनों मुल्कों के बीच में जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, तो वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि उसमें इंडो पैसिफिक रीजन अगर आप देखें तो शुरुआत से ही फर्स्ट पैरा से लेकर के ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है उसमें उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कही है। टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई के लिए बड़ा उद्यम होकर के जापान और इंडिया की बात पहली बार इतनी तेजी के साथ किसी ने ये बात कही है। हालांकि ये सेम चीज है जो ब्रिक्स में जिन ग्रुप्स के बारे में लिखा गया था ब्रिक्स डिक्लेरेशन में, वही इसमें भी लिखा गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करके बोला गया है खासतौर से 26/11 के बारे में। तो इट्स ऑन द मैरिट नाउ पाकिस्तान जो है उसको भी जापान, ओडीए के दुनिया में सबसे बड़ा ओडीए देने वाला कंट्री जापान है सारे मुल्कों के लिए, तो पाकिस्तान में भी जापान देता है, तो इसलिए जापान के पास एक ऐसा हैंडल है जो पाकिस्तान को किसी भी तरह से थोड़ा बहुत किसी हद तक मजबूर कर सकता है। तो हमारे लिए ये हर तरह से जो भी ये रिलेशनशिप में कम से कम बहुत बहुमुखी चीजें जो उसमें निकल के आई हैं, इन्वेस्टमेंट तो सबसे बड़ी बात है ही है, डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें चली आ रही है। मैं 2009 का स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें ये सब बातें तब से चल रही हैं और लेकिन अभी आके स्पेसिफिक एक टाइम फ्रेम दिया है। ओनली थिंग इसमें ये मैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझको लगी वो ये कि पिछले 3 वर्षों में जो प्रधानमंत्री आबे ने ये सब लिखा है कि भाई हमारे जो रिलेशन है ये डिफरेंट हायर ऑर्बिट में पहुंच गए हैं और ये एक ऊंची उसमें चले गए। और मैं समझता हूँ कि जापान के साथ में हिंदुस्तान का होना दूसरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस जापान इंडिया डायलॉग और ऑस्ट्रेलिया एंड दी पैसिफिक, इनका काफी एक बड़ा हमारे लिए एक लाभकारी सिद्ध होगा और मैं समझता हूँ कि विन विन पार्टनरशिप है। जी, यानी विन विन सिचुएशंस जो है वो इस वक्त दोनों देशों के बीच में हैं। त्यागी साहब, जो अगर मैं जापानी मीडिया की यहाँ पर बात करूं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण तरीके से वो भी इसे कवर कर रहा है, वो भी देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से दोनों जो प्रधानमंत्री हैं वो रिलेशंस को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें एक आर्टिकल जो जापान टाइम्स के लिए लिखा गया है, इसमें कहा है कि इसके तहत चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच संवाद और सक्रिय बनाने की कोशिश होगी, यानी कि 2+2 सिक्योरिटी टॉक जो है उसे आगे बढ़ाया जाए जो है जापानी मीडिया चाहता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच पहले ही सुरक्षा सहयोग को लेकर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसका हिस्सा जापान भी बने, तो यानी कि एक बेहतर सिचुएशन अपने लिए जापान जो है तलाश रहा है। जापान को भी लगता है, जो पहले आलम साहब यहां पर जिक्र कर रहे थे, कि हमें अपने ट्रेड को भी बचाना है, हमें एक दूसरे से टकराव की जो है सिचुएशन से भी बाहर निकलना है, और एक वो शख्स जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उससे हमारे ट्रेड जैसे संबंध है उस पर दबाव भी बनाना है, तो भारत जो है वो एक बेहतर साथी जो है इस वक्त हो सकता है जापान के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। दरअसल मैं अफ्रीका में जिबूती का पोर्ट हो या श्रीलंका में हम्बनटोटा या पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, ये सब पोर्टों के ऊपर चाइना ने लीज लिया इसलिए कि वो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस कर सके और इंडिया के ऊपर एक दबाव बना सके। उसने OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है 51 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, करीब करीब हमारी GDP का 1/3। इस प्रोजेक्ट को अब उसको ये डर लग रहा है कि मेरा ये 51 लाख करोड़ का OBOR प्रोजेक्ट कहीं काउंटर ना हो जाए, और वो काउंटर का इशारा आज के समझौते में हो गया। इन्होंने कहा कि हम एशिया अफ्रीका कॉरिडोर बनाएंगे जिसके लिए हमको नए पोर्ट बनाने पड़ेंगे ना, इसलिए चाइना के ऊपर प्रेशर आ गया। अब बहुत सारे, अभी आपने कहा था कि विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि साहब ये तो गरीबों के लिए ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए था। दो बात, पहली तो ये कि ये पैसा 50 साल में दिया जाना है, दूसरी बात हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा है यहाँ पे बैलगाड़ी और हवाई जहाज दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि अगर एक का काम करना है तो दूसरे को छोड़ दें। फिर कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि साहब ये 0.1% के रेट के ऊपर पैसा मिल रहा है,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जापान में ट्रिलियंस ऑफ रुपीज उनके बैंकों में भरे पड़े और वो तो फ्री देते हैं या 0.1% पे ही देते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखें और ये रिकॉर्ड पे है कि आज सुबह, आज से पहले जब दूसरी सरकारें थी उस समय 4% और 6% के ऊपर जापान से लोन लिया गया था। इट मींस कंसीडरिंग ऑल दी थिंग्स ये अपीयर होता है, और खासतौर पर ये जो आपने कहा कि वी हैव रीच्ड इन ए हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का एक एग्जाम्पल आज ही देखने को मिला। आज जापानीज कंपनीज ने और इंडियन कंपनीज ने एक और समझौता किया, उन्होंने कहा कि वाराणसी के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, दिस वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अदरवाइज। सो ये एक हायर ऑर्बिट में आने का नतीजा है कि नीचे वाले लोग बगैर कहे ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करने लगे। जो त्यागी साहब यहाँ पर कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे थे, इसका मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने कहा कि तकरीबन आप इसे मुफ्त मानिए, आप 0.1% के ब्याज पर जो है 50 साल के लिए लोन को लेते हैं। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात करते हैं, बाकी से अगर हम लोन की बात करते हैं, या पहले जो हमने लोन लिए हैं वो 4-6% के आसपास होते हैं, 30 साल के लिए मिलेगा, इस तरीके के जो है कंडीशंस लगाई जाती है। तो अप्रोक्स से तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो तकरीबन जो है मुफ्त के भाव है, 0.1 मुझे लगता है कि इट्स गोज टू जीरो, और 50 साल के लिए एक लोन मिल रहा है। और शायद जापान ने हमें ऑप्शन दिए थे क्या कि आप जो है इसे हेल्थ सेक्टर में लगाएंगे, या शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे, या फिर बुलेट ट्रेन में लगाएंगे, ये आपकी चॉइस है, ऐसी कोई चॉइस हमारे पास नहीं थी शायद। जी अगर देखें तो ये मुफ्त तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 0.1 और जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए ये कहना कि ये मुफ्त 4-6% जो हमें मिलता है उसके अप्रोक्स तो वो अगर आप कहें, अगर आप देखें जापानीज इकोनॉमी पिछले 27 साल से रिसेशन में रही है, डिप्रेशन के फेजेस में रही है, जिसकी वजह से उन्हें भी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ी है बाकी देशों के अंदर, और उन्हें अपने अपने देश को छोड़कर के बाकी देशों को देखना पड़ा है। अगर आप कहें कि ये जो पैसा इन्होंने दिया है, इसकी टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है वो हमारे देश के लिए बेहतर है या नहीं, वो एक बेहतर ही है, क्योंकि एक अलग स्तर पर हमें लेकर के जाता है, एक नया स्तर रखता है चीजें करने का, चाहे वो रेलवेज में हो चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो जब हम कहें कि हमें जो लोन्स मिल रहे हैं वो बाकी देशों से भी मिल रहे हैं, अगर जो इनका जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो हमें मिलता है उसमें इंडिया एक सबसे लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है, जिसको जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ODAs जिन्हें कहते हैं, और जिसकी वजह से जो है हम काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। तो ये कहना कि ये बिल्कुल मुफ्त है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, पर 50 साल के लिए है, एक बहुत लंबा समय है जिसकी वजह से हम जो है उसका फायदा उठा सकेंगे, उसका आराम से जो है फायदा उठा सकते हैं। त्रिनाथ साहब, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, जिस तरीके से त्यागी साहब ने यहां पर कहा कि ORoB जो प्रोजेक्ट है जिसके जरिए चीन लगातार अपनी जो मोनोपोली है वो क्रिएट करना चाहता है, और भारत इसका एक जवाब जो है देने की कोशिश कर रहा है एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के जरिए, ये जो अफ्रीका है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों जो है वो हम अपने दर्शकों को जरा बताना चाहते हैं, अगर आप समझा सकें, हम भी समझना चाहते हैं। ये है कि जैसे हम 21st century जो है बोलते हैं कि एशिया की सेंचुरी होगी जी, या हो रही है, अगर ये इंडिया और चाइना के बीच वार वगैरह ना छिड़े तो डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन तो 22nd century या लेटर पार्ट ऑफ दी 21st century विल बी अफ्रीकन सेंचुरी जी। ये आप सोच लें तो सारी दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास साधन हैं, जो करना चाहते हैं वो सब वहां पर कर रहे हैं, और चाइना उसमें सबसे ज्यादा अफ्रीका में अब तक एक्टिव रहा है। जापान ने भी ODA वहां पर काफी कुछ दिया है, लेकिन जापान का इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन वहां पर नहीं है। भारत की अफ्रीका में बहुत बड़ी गुडविल है, हमने भी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट करी है और काफी पैसा कमिट किया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हम भारत डॉलर फॉर डॉलर चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास एक इस तरह की कैपेसिटी है कि वो जंप कर देते हैं हर तरह की चीजें, चाहे वो फाइनेंस हो या कुछ भी हो, जैसा कि ओबोर में है। अब उसके लिए एक ऑल्टरनेट, ये बात पिछले साल जब हमारे वहां पे आई थिंक अहमदाबाद में शायद मीटिंग हुई थी जो अफ्रीकन बैंक की, तभी ये इंडिया अफ्रीका सॉरी एशिया अफ्रीका कॉरिडोर ग्रोथ कॉरिडोर की बात हुई थी। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और लेकिन ये इनिशिएटिव एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ओबोर है वो दूसरी तरफ से होते हुए यूरोप को जा रही है। हाँ। तो हमारे लिए ओबोर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो है प्रॉब्लम सोवरेनिटी इशू की, वो प्रॉब्लम वहां पे हमारी ये नहीं है कि चाइना इतना बड़ा बना देगा, पुराने जमाने में भी सिल्क रोड हुआ करती थी। हाँ। तो काफी कुछ है उसमें, हम कर सकते थे उनके साथ कोऑपरेशन अगर हमारी सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट ना होता। जी। या दूसरा जो जिस तरह ग्वादर पोर्ट किसी साहब ने बोला पहले,
या हम्बाटोटा में उधर वो करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए डायरेक्ट हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में होगा। तो हम अभी जापान के साथ रिलेशन में देखें तो ज्यादातर फोकस जो है डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन में है, और सिक्योरिटी का है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, जापान के लिए इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जापान की जो अपनी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पॉलिसी है इन दिस रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो उनकी स्ट्रेटेजी है, उन दोनों को ब्लेंड करने का बड़ा प्रयास हुआ है। तो इस पर्टिकुलर, और आप ये देखेंगे पूरा पूरा ज्वाइंट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े स्पेसिफिक्स में है, इस बार पहली बार ये जी, ये खाली एक टेंजेंशियल या लिखने के तौर पर नहीं है। और इसीलिए अफ्रीका कॉरिडोर में जापान जानता है कि हिंदुस्तान की आउटरीच अफ्रीका में काफी है और उसके साथ जापान के पास रिसोर्सेज हैं। क्योंकि देखिए हम जब भी एलओसी देते हैं किसी को तो एलओसी हमारी बिल्कुल भी उसके जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं अक्सर ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं होती है, लोगों को मुश्किल होता है, तो ज्यादातर टाइम हमें राइट ऑफ करना पड़ता है क्योंकि हम 0.1% पे या इतने लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे पाते हैं जैसा आप जानते हैं। तो अगर जापानीज इन्वेस्टमेंट हमें मिले और साथ में इंडिया और जापान मिलकर के अफ्रीका में करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम काफी हद तक अफ्रीका और एशिया की पार्टनरशिप को, स्पेशली विद इंडो जापान एंड अफ्रीका पार्टनरशिप को काफी ऊंचा कर सकते हैं जी। और ये एक जवाब भी है, एक प्रेशर तो जो है क्रिएट करता ही है चाइना पर, उसके जवाब के तौर पर जो ओबीओआर वो तैयार कर रहा है, और जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट वो खड़ा कर रहा है, हम ऐसा जो है कम्पीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं एशिया अफ्रीका कॉरिडोर को लेकर, तो कम से कम एक क्वेश्चनिंग तो दिमाग में आई जाएगी और चाइना के एक प्रेशर तो बनता ही है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसके बाद क्या हालात बनेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए हमें भी भारत को भी जो अभी तक हम लोगों ने काफी एडोकिज्म टाइप की पॉलिसी अफ्रीका की तरफ रखी है, कभी कभी बढ़ती है कभी घट जाती है, कभी कुछ नहीं होता है कभी सबमिट हो जाती है, हमें भी एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी अफ्रीका की तरफ अपनानी पड़ेगी। और अब अगर जापान इसके साथ हमारे साथ विद रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में कंबाइन होकर के सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि जापान की भी काफी गुडविल है बिकॉज ऑफ द ओडीए। ये आप देखेंगे अगर कभी आप यूएन इलेक्शंस वगैरह के बारे में देखें जहाँ जापान खड़ा हुआ था तो वहाँ जापान तो आउटराइट इट कैन गो अहेड, लेकिन चाइना काफी हद तक उनको रिप्लेस करने में सक्षम रहा है। इसलिए जरूरी है कि इंडिया और जापान मिलकर के अफ्रीका के उत्थान के लिए और म्यूचुअल ग्रोथ के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोग को भी 20 साल के बाद में 25 साल के बाद में वहीं जाना पड़ेगा जहां ज्यादा ग्रोथ है, यानी जो जो वापसी है वो होगी, यानी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए अफ्रीका के तौर पर, हमें उस पर भी सोचने की यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब जो हमारे समझौते आगे हुए हैं, चाइना जो है हम मान लें अभी जो है त्यागी साहब क्यों बैकफुट पर अब पूरी तरीके से, नहीं किसी को भी बैकफुट पे पूरी तरह से कह देना ये तो हमारे हाथ में नहीं है और ऐसा है भी नहीं, लेकिन ये सोच लेना कि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज में यानी कि विस्तारवादी पॉलिसीज में सफल हो जाएगा, ऐसा चाइना को पता लग गया है कि ऐसा नहीं होगा। और ये पता न केवल ओबीओआर से, उसी का एक पार्ट सीपीईसी भी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पीओके से होके गुजरता है और पीओके हमारा एरिया है, लिहाजा जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा वो एक सॉवरेनिटी का इशू है, अगर ये इशू ना रहा होता तो शायद हम भी ओबीओआर के पार्ट हो जाते, लेकिन चूंकि ये हमारी सॉवरेनिटी का इशू है लिहाजा हम ये चाहेंगे कि ओबीओआर इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के लिए हम एक इक्वली काउंटर मेजर भी एस्टेब्लिश कर दें, और जिसकी दिशा में आज एशिया अफ्रीका कॉरिडोर की बात हुई है। मैं ये समझना चाहता हूँ यामिनी, क्योंकि हम इससे पहले जो जिक्र कर रहे थे कि बुलेट ट्रेन को अगर भारत के अंदर लाया जाएगा या जो सवाल इससे पहले उठ रहे थे, उन तमाम चीजों के बीच में आज के परिवेश में भारत के लिए बुलेट ट्रेन कितनी जो है वो सार्थक है, कितनी हमें उसकी जरूरत है? जी अगर देखें तो बुलेट ट्रेन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि रेलवेज ने ये जो सोचा था, या अगर हम कहें कि ट्रेन्स के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचा जाए तो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर डिबेट चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये डिबेट अभी स्टार्ट हुई है। पर जो रेलवे के मिनिस्टर थे, जो अब चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो उन्होंने उस समय ऑब्जेक्शंस रेज किए थे इस बात पे कि जो है हमारे पास राइट टेक्नोलॉजी नहीं है, ब्रॉड गेजेस नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बुलेट ट्रेन्स नहीं आ सकती।
जब डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट का एक स्तर आपको रीच करना होता है ताकि आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ को पा सकें. बुलेट ट्रेन्स एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या अपग्रेडेशन का साइन है जिसके लिए आपको असिस्टेंस दी जा रही है. तो अगर वो असिस्टेंस मिल रही है और आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए. आज अगर वो अहमदाबाद के अंदर है तो वो और जगहों पे भी आएंगी. अगर एक जगह सक्सेस होती है तो फिर वो बाद में और जगह सक्सेस रिपीट की जा सकती है. तो इसलिए धीरे धीरे करके ही वो सक्सेस को लाया जाएगा. जी त्यागी साहब, अब हम जो है डिफेंस के तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जोर इसमें दिया जा रहा है जो दोनों देशों की कंसिडरेशन में भी है, यानी जापान जो है कोशिश कर रहा है अपने डिफेंस को भी लेकर, अब जिस युद्धाभ्यास की हम बात कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ मालाबार में होने वाला है, इसके अलावा जापान भी उसका हिस्सा बनेगा, ये तमाम चीजें जो हैं ये तो दोनों देशों के लिहाज से जो है एक दूसरे के साथ ही मजबूती तो बनाती ही बनाती हैं, एक एशिया के अंदर चीन जैसे देश के सामने एक स्ट्रांग मैसेज तो क्रिएट करती हैं कि आप जो हैं कम से कम अब जो सोच रहे हैं या जो जिस विस्तारवादी नीति का आप यहां पर बात कर रहे थे उसमें तो उसे वो बैकफुट पर पहुंचाती हैं कि आप एक देश को जो है नहीं दबा सकते हैं, ना आप भारत के ऊपर इस तरीके से जो है स्थितियों को गंभीर बना सकते हैं, ना फिर आप ना आप जापान के लिए जो है परेशानी आप खड़ी कर सकते हैं. बिल्कुल है? ये तो साबित होने लगा है ना साहब. मैंने आपको दो एग्जांपल दी कि चाइना जो अभी तक आके दिखा रहा था और उसने करीब दो महीने के उस पीरियड में बार बार ये कहा कि हम एक दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज को हटा देंगे और हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, जाने क्या क्या स्टेटमेंट आए, मगर उसके बाद में डोकलाम से हट गया. अब चाइना को और एक बात, अभी ये समझा जाता था कि शायद चाइना का नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ नियंत्रण है और चूंकि चाइना का बहुत ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ है, इंडिया के साथ तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, तो अमेरिका ने उम्मीद की कि शायद चाइना नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ लगाम लगा सके, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसकी भी नहीं सुन रहा. तो चाइना को महसूस हुआ कि नॉर्थ कोरिया से कुछ नहीं मिल रहा, साउथ चाइना की वजह से जितने भी फिलीपींस, जापान, मलेशिया, वियतनाम जितने कंट्रीज थे जिनमें, वो सब चाइना के अगेंस्ट थे और अब इंडिया और पाकिस्तान, और उसको समझ में आ गया कि पाकिस्तान के साथ भी रहने में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है. तो ऐसी स्थिति में चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर तो निश्चित रूप से रोक लगाने में निश्चित रूप से लगाम लगी है. साहब, आज इस समझौते के साथ चीन पर हम बार बार दबाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो बार बार अब ऑफर्स चीन की तरफ से आने लगे हैं उसमें लगता है आपको कि कम से कम दोस्ती का जो हम लगातार कोशिश करते रहे हैं उस पर भी हम आगे बढ़ जाएंगे? अब कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी को दबा लिया जाए पहले, फिर उसको बताया जाए कि हम दोस्ती करना चाह रहे थे. त्रिनाथ साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज नहीं आ रही. त्यागी साहब, आप जवाब दे. वो पहले ही कह चुके हैं चाइना की हम तो पंचशील वाले सिद्धांत पे दोबारा चलना चाहते हैं. चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा आलम साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन नई इबारत लिखने की, नई ऊंचाइयों का जो आसमान है वो छूने की एक कोशिश दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों की तरफ से की गई, और साथ ही साथ जापान के साथ जिन रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश है वो रिश्ते पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, और साथ ही साथ उन देशों के लिए भी, क्योंकि खुद आज प्रधानमंत्रियों की तरफ से जिस तरीके से आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर अहम समझौते किए गए वो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज है कि ये दोनों ताकतें मिलकर एक नई भारत लिखने की ओर अग्रसर हैं. फिलहाल इतना ही, खबरें जा रही है, बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ. जय हिंद. In the red corner, Sharma ji, and in the blue corner, unki biwi. Match starts and knockout. Aur ye remote pe kabza karne ke liye taiyar. Ek minute. Aaj to Sunday hai na? It's my turn. रिमोट को लेकर होने वाले झगड़े को सुलझाने के और भी तरीके हैं. वीडियोकॉन D2H के सेकंड, थर्ड और फोर्थ कनेक्शन पे पाइए 50% तक का डिस्काउंट. वीडियोकॉन D2H.
सुदर्शन आयुर्वेद लेकर आया है। सुदर्शन नारी संजीवनी जो स्त्रियों से जुड़ी शारीरिक समस्याओं पर प्रभावकारी है। इस सुदर्शन नारी संजीवनी की कीमत है मात्र 1750 रुपए। सुदर्शन नारी संजीवनी नारियों के लिए बहुमुखी 22 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो नारियों को ऊर्जा प्रदान करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी जड़ी बूटियों के अंतःस्रावी और हार्मोनल सिस्टम को सामर्थ्य प्रदान करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी कार्यात्मक स्त्री रोगों के लिए गैर हार्मोनल प्रोडक्ट है। सुदर्शन नारी संजीवनी रक्त को बढ़ाने, रक्त शोधक और त्वचा के निखार को बढ़ाने में मदद करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी से महिलाओं की शारीरिक शक्ति बढ़ती है। अजवाइन के गुण। आयुर्वेद में कहा गया है कि अजवाइन में 100 प्रकार के अन्न पचाने की शक्ति होती है। यह पेट के रोग, उल्टी आना, बुखार तथा कफ आदि रोगों का नाश करती है। अजवाइन के सेवन से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। आचार्य श्री बालकृष्ण जी। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक सुरक्षित भारत। दीजिए उन्हें एक ऐसा देश जिसमें हो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए ज्ञान से भरा एक भारत। अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए एक स्वस्थ भारत। आइए एक नए भारत का निर्माण करें। अपनी अगली पीढ़ी को दें एक विकसित भारत। समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा करके एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। 15 सितंबर या उससे पहले अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करें। ये हमारा टैक्स है जो बनाएगा एक नया और बेहतर भारत। जब हो वजन घटाना, स्लिम हनी ही अपनाना। जब हो वजन घटाना, स्लिम हनी ही अपनाना। हिंदुस्तान के इस्लामीकरण की आंधी आपको ही नहीं, किन्नरों को भी बनाया जा रहा है मुसलमान। इतना बड़ा कब्जा आधे समाज को इस्लाम का क्यों है कि हिंदू बच्चे उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जमात में नहीं रहेंगे जड़ों की। किन्नरों का भी हज के लिए तय होता है कोटा। मुझे हिंदू नहीं रहा जाया था, मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। सुनिए, करना पड़ा 2012 में। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा राज? मुगल काल से छुपाए गए एक सनसनीखेज रहस्य से हम उठाएंगे पूरा पर्दा। हम तो मंदिर और मठों में थे, मुगलों ने हम किन्नरों को भी ईमान में दाखिल करा गया। देखिए बिंदास बोल मेरे साथ। सुदर्शन आयुर्वेद लेकर आया है सुदर्शन नारी संजीवनी जो स्त्रियों से जुड़ी शारीरिक समस्याओं पर प्रभावकारी है। इस सुदर्शन नारी संजीवनी की कीमत है मात्र 1750 रुपए। सुदर्शन नारी संजीवनी नारियों के लिए बहुमुखी 22 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो नारियों को ऊर्जा प्रदान करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी जड़ी बूटियों के अंतःस्रावी और हार्मोनल सिस्टम को सामर्थ्य प्रदान करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी कार्यात्मक स्त्री रोगों के लिए गैर हार्मोनल प्रोडक्ट है। सुदर्शन नारी संजीवनी रक्त को बढ़ाने, रक्त शोधक और त्वचा के निखार को बढ़ाने में मदद करता है। सुदर्शन नारी संजीवनी से महिलाओं की शारीरिक शक्ति बढ़ती है।
इस न्यूज अपडेट के प्रायोजक है रूप मंत्रा फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Is headline